तो हम बात करते हैं रीनल ट्यूबुलर डिफेक्ट के बारे में। तो रीनल ट्यूबुलर डिफेक्ट के अंदर आते हैं हमारे पास फैनकोनी सिंड्रोम, इसके अलावा हम पढ़ेंगे गिटलमान, हम पढ़ेंगे बार्टर और हम पढ़ेंगे लिडल सिंड्रोम के बारे में, ठीक है। तो जो गिटलमान है वो याद रखना कि जी टी होता है, जी टी गोरा टावर। और बार्टर के अंदर याद रखना कि जब आप बार में जाते हो तो आप दारू पीते हो आप, तो एक बार 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 एक ही जगह पे घूमते हो, तो उसे कहते हैं लूप। तो बार्टर में याद रखना लूप डायूरेटिक की तरह ये इसका प्रेजेंटेशन होता है। वहीं बात करें लिडल सिंड्रोम की, तो इसके अंदर क्या होता है, ई नेक का बहुत ज़्यादा एगोनिज्म देखने को मिलता है। इसके अलावा फैनकोनी सिंड्रोम जो होता है पीसीटी में देखने को मिलता है। बार्टर जो होता है वो थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले के अंदर देखने को मिलता है। गिटलमान जो होता है वो डीसीटी के अंदर देखने को मिलता है, और लिडल सिंड्रोम हमको देखने को मिलता है कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। तो बहुत ही सीधी सी बात है, क्वेश्चन के अंदर हमें सब मिलेगा, हमें बस इतना डिफरेंशिएट करना होगा कि क्या ये गिटलमान है या फिर ये बार्टर है या फिर ये फैनकोनी है या फिर ये लिडल सिंड्रोम है। तो उसका हम पता कैसे लगाएंगे, ये देख के, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस सिर्फ और सिर्फ फैनकोनी सिंड्रोम के अंदर ही हमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलती है, या कह सकते हो टाइप 2 रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस इसके अंदर होती है। इसके अलावा फैनकोनी सिंड्रोम के अंदर ऑस्टियोपेनिया भी देखने को मिलता है ड्यू टू हाइपोफॉस्फेटीमिया। अब बात आती है गिटलमान और बार्टर और ये लिडल सिंड्रोम जो है इनमें कैसे डिफरेंशिएट करें, क्योंकि ये तीनों के तीनों ही कैसे होते हैं, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस शो करते हैं। तो जो लिडल सिंड्रोम होता है वो एल्डोस्टेरोन हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म की तरह अपने आप को प्रेजेंट करता है। तो इसके अंदर हमको हाइपरटेंशन देखने को मिलता है और हाइपोकेलीमिया देखने को मिलता है, और इसका ट्रीटमेंट होता है अमीलोराइड। तो हाइपरटेंशन और हाइपोकेलीमिया सिर्फ और सिर्फ लिडल सिंड्रोम के अंदर मिलेगा। वहीं बात की जाए अब बार्टर और गिटलमान को कैसे डिफरेंशिएट करें, क्योंकि दोनों में मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होती है, तो इन्हें हम डिफरेंशिएट करते हैं थ्रू कैल्शियम। तो जो गिटलमान होता है उसके अंदर हाइपोकैल्शियमिया मिलता है, जो बार होता है बार उसके अंदर हाइपरकैल्शियमिया मिलता है, हाइपरकैल्शियूरिया मिलता है। क्यों? क्योंकि अब बार 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 घूम रहे हैं एल्कोहल पीने के बाद में, तो दूध पीते हैं ताकि उनकी दारू उतर जाए। तो बार्टर सिंड्रोम के अंदर हाइपर कैल्सी यूरिया मिलता है, जबकि गिटलमान में हाइपो कैल्सी यूरिया मिलता है। ओके, दिस इज़ ऑल यू नीड टू नो अबाउट दीज रीनल ट्यूबुलर डिफेक्ट्स।